Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is very merciful and designer of the universe. So first of all, assalamu alaikum to all of you. Umeed hai aap sab log khairiyat se honge. So viewers, jaisa ki aap log ne mere thumbnail mein dekh liya hoga ki ye video hamari hai DPT ke bare mein. DPT ka Pakistan mein kya scope hai, iski kya job salaries hain, kya jobs hain, kya iski admission ka criteria hai aur kaun kaun se institute isko offering karwa rahe hain. तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. तो आप सब जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक और शेयर करना लाजमी कीजिएगा, ठीक है. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो. डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी ये मेडिकल की एक बहुत ही कमाल की फील्ड है जिसको लोग एक किस्म का मार्शी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये फिजियोथेरापिस्ट एक डॉक्टर होता है जो बेसिकली हड्डियों का डॉक्टर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है. इसका काम होता है, इसका स्कोप काफ़ी फील्ड में होता है, हर फील्ड में इसका स्कोप होता है. हर चीज़ को हम इधर देखेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले देख लेते हैं डीपीटी होती क्या है. डीपीटी स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, ठीक है. इसको डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसको डीपीटी कहते हैं. तो डीपीटी इज़ अ 5-year प्रोग्राम इन पाकिस्तान, यानी ये 5 साल का प्रोग्राम है पाकिस्तान में जो FSC प्री मेडिकल के बाद होता है इसका, ठीक है. फिजियोथेरापी इज अ सब फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज, हेल्थ साइंसेज की एक फील्ड है. इट इज कंसर्न विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन हैंडीकैप्ड. हैंडीकैप होता है जिसको डिसएबल हो, जिसको कोई मसला हो, ठीक है. रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, ट्यूमर, ऑपरेशन, ओल्ड एज, यानी एक्सीडेंट की वजह से, ऑपरेशन की वजह से या बुढ़ापे की वजह से उसको कोई मसला हो, कोई हैंडीकैप हो, तो उसको ये डील करता है डीपीटी डॉक्टर, ठीक है. और फिजियोथेरापी वर्क इन्वॉल्व रिस्टोरिंग टू नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ, मसल मूवमेंट, यानी मसल के स्ट्रेंथ और मूवमेंट को रिस्टोर करने में ये हेल्प करता है ये फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है. अब हम देख लेते हैं इसका कैरियर क्या है पाकिस्तान में, इसमें कहाँ कहाँ जॉब आती है. जॉब इसमें काफ़ी जॉब जाते हैं जिनमें चंद मैं इधर डिस्कस करूंगा और कुछ का मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. इसमें आ जाता है ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है. इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है. फिर होता है जेरिट्रिक फिजियोथेरापिस्ट, फिर पेरीट्रैक फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरापिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट, एजुकेशनल सेंटर में इसकी जॉब होती है, मेंटल हॉस्पिटल में होती है, प्राइवेट क्लिनिक में होती है, हैंडीपैक पीपल के लिए बकायदा सेंटर होता है वहाँ पर जॉब होती है. उसके अलावा पब्लिक सेंटर है, पब्लिक सेक्टर में इसका बकायदा फार्म स्केल पर जॉब आती है डीपीटी डॉक्टर की. प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, प्राइवेट क्लिनिक्स अपना बना सकते हैं, NGOs में होती हैं, स्पोर्ट्स हो गया, रिसर्च हो गया, इंटरनेशनल जॉब भी होती है इसकी, ठीक हो गया. तो ये सारी चीज़ें मैंने इसको जॉब्स के बारे में बता दी कि जॉब कहाँ कहाँ पर आती है और कौन सा स्केल होता है और FSC प्री मेडिकल के बाद इसका एडमिशन होता है पाकिस्तान में. अब हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेना. सबसे पहले आ जाता है ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरापिस्ट. ये फिग मैंने लगाई है, इस फिग से आपको क्लियर होगा कि ये जॉइंट्स के बारे में है, यानी घुटनों में अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई मसला हो जाए एक्सीडेंट की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से, तो ये उस चीज़ को ये डील करता है, ठीक है. तो ये मैंने इधर बकायदा मैंशन किया है कि एक जो फिजियोथेरापिस्ट है वो इफेक्टिव जॉइंट्स को जब डील करता है तो उसको हम ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरापिस्ट कहते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट है इसकी जेरिट्रिक फिजियोथेरापिस्ट. ये बेसिकली ओल्ड एज की उम्र को डील करता है ये थेरापिस्ट, ठीक हो गया. यानी जो ओल्ड एज होता है ना उसकी अक्सर मूवमेंट में, घुटनों में तकलीफ होती है, ये उनको डील करता है ये फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है. उनका हेल्दी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये फिजियोथेरापिस्ट होता है. ये मैंने फिगर लगाई है, इनसे आपको मुझे क्लियर होता जाएगा. तो नेक्स्ट है पेडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट. पेडी का मतलब होता है बच्चे, ये बेसिकली बच्चों को डील करता है, ठीक हो गया. यानी जो चिल्ड्रन होते हैं ना, जो सिंड्रोम आप कह लें या कोई पदेशी कोई जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो, तो ये उनको ये डील करते हैं, ठीक हो गया. ये मैंने लिखा भी हुआ बताया कि दीज वर्क विद चिल्ड्रन फ्रॉम कॉन्जुगेशनल एमोरीज, यानी जैसे पदेशी के पदेश के वक्त ही कोई इशू आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो ये थेरापिस्ट उनको डील करता है. नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरापिस्ट. ऑक्यूपेशनल बेसिकली एक बुरा एक ना जॉब के दौरान जब किसी को कोई मसला होता है तो वो उसको ये चीज डील करता है, ठीक है. तो इधर लिखा हुआ है सम पर्सन बिकम अनएबल टू रिज्यूम हिज जॉब्स आफ्टर हिज इंजरी,
यानी जब किसी का मसला हो जाए तो अपनी जॉब रिज्यूम नहीं कर सकते। ऑक्यूपेशनल जो फिजियोथेरापिस्ट होता है जो काम करता है, जॉब कर रहे होते हैं, उनको कोई मसला हो जाए तो उनकी इंजरी को डील करता है ताकि वो अपनी जॉब को रिज्यूम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है स्पोर्ट फिजियोथेरापिस्ट। स्पोर्ट का तो हर बंदे को पता होगा ये क्या चीज होती है। अक्सर जो मैच वगैरह होते हैं, फुटबॉलर हो गया, क्रिकेट हो गई, तो वहां पे एक थेरेपिस्ट लाजमी होता है ताकि किसी के घुटनों में या भागने में या किसी को चलने में कोई तकलीफ हो जाए बाजू में, तो उनको ये डील करता है ये थेरेपिस्ट, ठीक हो गया। ये बेसिकली क्रिकेटर के लिए होता है जो मतलब प्ले कर रहे हो ना, गेम वगैरह कर रहे हो, तो उनके लिए होता है ये। इनको पता होता है कि कौन सी मेडिसिन इसके लिए इसेंशियल होगी, ठीक है। तो ये मैंने इधर कुछ आपको इसके कैरियर के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में ऑफरिंग कर रही है फिजियोथेरापिस्ट को। वैसे तो काफी इंस्टीट्यूट है जिसमें जो बहुत ज्यादा जो ऊपर लेवल की यूनिवर्सिटी है उसमें आ जाते हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है, ठीक है। उसके बाद जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो गया। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, उसके अलावा फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, अजमेरिया यूनिवर्सिटी, नर हो गया, सिकोसिक हो गया, सिटी यूनिवर्सिटी, इकरा, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कुछ यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा काफ़ी इंस्टीट्यूट हो गया, आई थिंक हर ज़िले में अब कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है जो ये डीपीटी ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक बात बताना चाहूँ कि इसका मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट पाकिस्तान में इसका हाई मेरिट है। जिस तरह MBBS, BDS, DPT, D-Farm का मेरिट है ना, इस तरह DPT का मेरिट भी हाई होता है। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका मेरिट बेस पर एडमिशन होता है जो तकरीबन 85 के ऊपर क्लोज हुआ था आई थिंक लास्ट टाइम। तो इसके अलावा अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में लेते हैं तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। वो प्राइवेट सेक्टर होता है, उधर फीसें थोड़ी ज्यादा होती हैं, ठीक हो गया। तो इसके अलावा इसके जॉब के मैंने आपको बता दिया, इसके यूनिवर्सिटीज का मैंने बता दिया, और अब हम बात कर लेते हैं इसके सैलरी कितनी होती है एक DPT डॉक्टर के पाकिस्तान में। तो DPT डॉक्टर की पाकिस्तान में एक हैंडसम सैलरी जो स्टार्टिंग होती है वो 25,000 से लेकर 80,000 तक होती है। इसके अलावा इसकी सैलरी डिपेंड करती है कि वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है। सैलरी इसकी इंक्रीज हो जाती है अगर ये मतलब वर्क करता रहे, प्रॉपर वर्क करे। अगर आप फर्स्ट पार्ट टाइम या अपना क्लिनिक ओपन कर ले, फर्स्ट टाइम एक गवर्नमेंट जॉब करे, तो इंशाल्लाह इसकी हैंडसम सैलरी बन सकती है, ठीक है। तो जो लोग DPT में इंटरेस्टेड है तो मैं तो उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि ये बेफिक्र होकर इसमें एडमिशन लें, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई समझ ना आई हो तो नीचे मैं आपको जीमेल वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिएगा। जो अगली वीडियो का करिए।